हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स बच्चों, आज हम आपके हिंदी में हिंदी ग्रामर का निबंध पढ़ेंगे। एक हिंदी ग्रामर में मेरा हरियाणा, यानी मेरा हरियाणा जो है वो क्या है, कैसा है, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। हरियाणा मेरा प्रिय प्रदेश है, इसे वीरभूमि हरियाणा भी कहते हैं। यहाँ की धरती सोना उगलती है, यहाँ का हर एक स्त्री पुरुष मेहनती है। यहाँ के किसान बड़े सीधे साधे और मेहनती हैं। यहाँ के लोगों का भोजन बड़ा ही सात्विक है। स्वतंत्रता संग्राम में भी यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। यद्यपि हरियाणा प्रदेश बहुत पुराना है, लेकिन इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। पहले यह पंजाब का ही एक भाग था। यह सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके पूर्व में भारत की राजधानी दिल्ली, इसके पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल और पश्चिम में इसके दक्षिण में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल और पश्चिम में पंजाब है। यहाँ की जनसंख्या 2.5 करोड़ के लगभग है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसमें 90 विधानसभा तथा 10 लोकसभा क्षेत्र हैं। इस समय इसमें 22 जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वीरों की भूमि। आपको टॉपिक वाइज याद करना है बच्चों, ठीक है। वीरों की भूमि, हरियाणा का इतिहास काफ़ी लंबा है, इसे वीरों की भूमि भी कहते हैं। महाभारत का महान युद्ध इसी प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था वो इसी प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया था। पानीपत के 3 युद्ध तो इतिहास में प्रसिद्ध है। यहाँ के वीरों ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भी यहाँ के वीरों ने अपनी वीरता दिखाई थी। अब भी यहाँ के अनेक युवक सेना में भर्ती होकर देश सेवा में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है कर्म का क्षेत्र। हरियाणा की पवित्र धरती कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा के लोग अभी भी श्री कृष्ण के उपदेश को नहीं भूले। यहाँ के निवासी फल की इच्छा के बिना कर्म करते हैं। ऋषि वेदव्यास ने यहाँ पर 18 पुराणों की रचना की। कितने पुराणों की रचना की थी ऋषि वेदव्यास ने? 18 पुराणों की, ठीक है। यहाँ पुरुष और नारियाँ कंधे से कंधा मिलाकर परिश्रम करते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। हरियाणा के लोग जो हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती करना। यहाँ के खेतों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और गन्ने की फसलें पैदा होती हैं। हरी का देश हरियाणा। यहाँ के निवासियों का रहन सहन बहुत ही सादा है। उनके विचार बहुत ऊंचे एवं सात्विक हैं। यहाँ गाँवों के लोग धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। नारियाँ साड़ी, घाघरा, चोली, सलवार, कमीज आदि का प्रयोग करती हैं। यहाँ शहरों में नई सभ्यता के प्रभाव कारण काफ़ी परिवर्तन आ गया है। इसे दूध दही का प्रदेश भी कहा गया है। इसलिए देख कवि ने कहा है कि हरी का देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, कि यहाँ पर दूध दही जो है बहुत मात्रा में खाया जाता है। औद्योगिक विकास, हरियाणा में अनेक उद्योगों की स्थापना हो रही है। फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़, अंबाला, जगाधरी, पानीपत, सोनीपत, हिसार आदि हरियाणा के औद्योगिक नगर हैं। यहाँ के प्रत्येक गांव में बिजली पहुँच चुकी है। यहाँ का हर गांव पक्की सड़क द्वारा नगर से जुड़ा है। शिक्षा का विकास, शिक्षा की दृष्टि से भी इस प्रदेश का भारत में विशेष स्थान है। रोहतक का महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र स्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा तथा हिसार का कृषि विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सैकड़ों कॉलेज और स्कूल शिक्षा के कार्य में लगे हुए हैं। हमारा हरियाणा भारत का अन्नदाता है। यहाँ से प्रतिवर्ष लाखों टन अनाज अन्य राज्यों को भेजा जाता है। यहाँ के लोग निर्धनता, अशिक्षा और बेरोजगारी को दूर करने में लगे हुए हैं, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है बच्चों, सभी बच्चों को, और लर्न करना है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।